चलिए बढ़ते हैं आगे। श्रावण का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेने के लिए आएंगे, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है। कांवड़ यात्रा के तहत कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हरिद्वार से गंगा जल लेकर जाते हैं और अपने अपने इलाकों के शिवालयों में त्रयोदशी के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस बार कांवड़ यात्रा 2 साल बाद शुरू हुई है। इस बार 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के आने का अनुमान है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली प्रशासन भी सतर्क है। दिल्ली प्रशासन की तरफ से कांवड़ तीर्थयात्रियों और वाहनों के सुचारू रूप से चलने को लेकर 2000 से ज्यादा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। तो वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन महीने की शुरुआत बड़े हर्षोल्लास के साथ हुई। बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा की भस्म आरती का लाभ लेने महाकाल मंदिर पहुंचे। सुबह 3 बजे बाबा के कपाट खोले गए, इसके बाद बाबा पर जल चढ़ाया गया, फिर महाकालेश्वर का दूध घी दही शक्कर शहद से पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद बाबा का श्रृंगार कर भस्म आरती की गई, जो करीब 1 घंटे तक चली। इसके बाद बाबा का मनमोहक विशेष श्रृंगार भी किया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।